सुप्रभात बहनों, क्लास सिस्टर। आजकल आपका भाषा में पाठ सात, साथी हाथ बढ़ाना वाला पाठ चल रहा है। इसमें मैंने आपको कठिन शब्द बताए थे और इस पाठ का सारांश बताया था, इस कविता का। तो आज आपको मैं बताती हूँ इस कविता का भावार्थ। तो सबसे पहले आप लिखेंगी जहाँ पर आपके शब्द अर्थ पूरे हो चुके हैं, उसके नीचे लिखेंगी आप कविता। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना से लेके साथी हाथ बढ़ाना लिख के डॉट डॉट करके लिखेंगी आज अपनी खातिर करना। आज अपनी खातिर करना, पहले लिखेंगी साथी हाथ बढ़ाना डॉट डॉट खातिर करना। तो इसको लिखने के बाद नीचे लाइन में लिखेंगी प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगी प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत भाग एक के साथी हाथ बढ़ाना नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता साहिर लुधियानवी हैं। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत भाग एक के साथी हाथ बढ़ाना नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता साहिर लुधियानवी हैं। फिर इस लाइन को छोड़ के नीचे लाइन में इसका अर्थ लिखेंगी, व्याख्या लिख के या अर्थ लिख के डैश करके लिखेंगी। इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने को प्रेरित किया है। इसका अर्थ बता रही हूँ मैं आपको। कविता को एक पद्य उतार के जैसे मैंने बताया उसका व्याख्या लिखेंगी, फिर उसमें डैश करके लिखेंगी। इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने को प्रेरित किया है। एक अकेला काम करते करते थक जाएगा, इसलिए कवि द्वारा भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा गया है। पूर्ण विराम। भारतीयों का हौसला अफजाई करने के लिए कवि ने बताया है कि जब जब लोगों ने एकता के साथ काम किया तब तब समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ मदद की है। तब तब समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ मदद की है तथा पर्वत ने भी उनके सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें जगह दी है। पूर्ण विराम। कवि के अनुसार हमारी बाहें और सीना फौलाद से बने हैं, जिससे हम मुश्किल काम कर सकने को क्षमता रखते हैं। कवि ने याद दिलाते हुए कहा है कि हमने पहले भी गैरों के लिए काम किया है और आज हमें खुद के लिए काम करना है, यानी अपने आज़ाद भारत का निर्माण करना है। पूर्ण विराम। फिर दूसरी लाइन में दो लाइन छोड़ के यहाँ पर फिर लिखेंगे आप उससे आगे अपना दुख भी एक यहाँ से लिखना है। अपना दुख भी एक डैश डैश करके लिखेंगी दूसरी लाइन में। बस में कर ले किस्मत साथी हाथ बढ़ाना, लास्ट पैरा जो है उसका लास्ट लाइन साथी हाथ बढ़ाना यहाँ पर लिख के नीचे लाइन में प्रसंग वही लिखेंगी। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग एक के साथी हाथ बढ़ाना नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता साहिर लुधियानवी हैं। फिर इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। व्याख्या में आपको लिखना है इन पंक्तियों में कवि ने सुख दुख को लोगों का साथी बताया है, क्योंकि इनका क्रम जीवन में हमेशा चलता रहता है। पूर्ण विराम। इसलिए हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए, वहीं सुख से ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए और अपनी मंजिल की ओर सदा कदम बढ़ाते रहना चाहिए। पूर्ण विराम। अगली लाइन से कवि ने एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया है कि एक एक बूंद के मिलने से ही दरिया बनता है, एक एक बूंद के मिलने से ही दरिया बनता है। दरिया माने नदी। दरिया बनता है, एक एक बूंद मिलने से ही दरिया बनता है। छोटे छोटे अंशों को मिलाकर
सेहरे का निर्माण होता है। छोटे छोटे अंशों को मिलाकर सेहरे का निर्माण होता है। छोटे राई के दानों से पर्वत बन जाता है। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर काम करे तो किस्मत को भी पलट कर उसे सुनहरा रूप दिया जा सकता है। पूर्ण विराम। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। पूर्ण विराम। इसको आपको ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और साथ ही साथ आपको याद भी करने हैं। बहुत ही जल्दी तुम्हारी प्रथम मासिक परीक्षा होने वाली है, द्वितीय मासिक परीक्षा होने वाली है। प्रथम तो पहले हो चुकी है, आपको याद करना है और कुछ समय बाद आपको द्वितीय मासिक परीक्षा देनी है। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन। नमस्कार। नमस्कार।